नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तब करो। मैं हूं आप सभी के साथ सरफराज, और हमारा एक नए कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है। कार्यक्रम है हमारा मुखिया कैसा हो, और इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान के पछुकी ब्लॉक के बेंदुसार पंचायत में, जहां से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता सात निश्चय योजना को लेकर क्या कहती है। हमारा कार्यक्रम हमारा मुखिया कैसा हो, जिसमें सात निश्चय योजना की होगी पड़ताल और जनता बताएगी अपने पंचायत का हाल। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पछुकी ब्लॉक के बेंदुसार पंचायत में, और हमारे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो मौजूद है, स्थानीय लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे, सर? हम यही कहेंगे कि हमारे पंचायत में आज तक किसी को मालूम नहीं है कि साल में कितना फंड आता है मुखिया द्वारा। अगर कोई जानने का कोशिश भी करता है तो उसको दे के दबवा दिया जाता है, आगे किसी को नहीं बताया जाता है। इसके द्वारा दबवा दिया जाता है। अब वही लोग को खिला पिला के जो जान गया उसको दबवा दीजिए, एक भी काम नहीं हुआ है। 5 साल पूरा होने वाला है, 28 तारीख को मुखिया खत्म हो जाएंगे। अभी तक जल नल योजना जो है शुरुआत कहीं से नहीं हुआ, किसी गाँव में खुनाया ही नहीं है। और देख लीजिए आपके सामने वहाँ पर काम हो रहा है, वो सब देख लीजिए आप। अच्छा सही है। एक चीज़ आपको बता दें कि इस समय हम लोग जिस पंचायत में आए हुए हैं, बेंदुसार पंचायत है, और जब इसके पहले 2016 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ था उस समय 14 उम्मीदवार यहाँ से अपना किस्मत आजमा रहे थे, जिसके बाद यहाँ से चुनाव जीती आभा देवी, जिनके पति सुभाष कुमार सिंह हैं और वो मुखिया बने, और जिसके बाद से सात निश्चय योजना सहित कई सारे ऐसे सरकार की योजना थे जिसको जमीन पर उतारने का काम करना था। इस 5 सालों में क्या विकास हुआ है उस आभा देवी के द्वारा, यही जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नल जल योजना की शिकायत कर रहे हैं। नल जल योजना क्या हुआ? नल जल योजना में कितने पंचायत हैं, वार्ड कितने आपके? हम लोग का 18 वार्ड है। 18 वार्ड में कितने ऐसे वार्ड है जिसमें नल जल कोई नहीं है? कोई नहीं है, किसी में पानी नहीं आ रहा है। अगर आके चेक करें SP साहब DM साहब तो पता लग जाए, लेकिन वो आएंगे तब ना। हम बोल रहे हैं कि किसी वार्ड में चैलेंज दे के कह रहे हैं कि हम खड़ा है, हम जन समस्या मेला के NGO का, हम सिवान जिला अध्यक्ष है आपका अपनी अदालत का, लेकिन एक भी आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्या फंड आ रहा है। हर आदमी को जागरूकता करना जरूरी है कि साल में कितना फंड आ रहा है, कौन सा काम हमको करना है नहीं करना है। किसी को नहीं, जो खा रहा है खाने दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा तो नहीं पूछ देते, तो अगला बार हरवा देंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ पे राशन कार्ड? राशन कार्ड तो हमारे पूरा पंचायत में हमको मतलब 50% आदमी के पास भी राशन कार्ड नहीं है। 50% हम ये नहीं बोले कि 30% आदमी का नहीं है, 50-50% आदमी का राशन कार्ड नहीं है। किसी के घर में है भी तो ऐसा है कि आपके घर में 4 परिवार का नाम है, 2 परिवार का नहीं है उसी राशन कार्ड में। लॉकडाउन लगा था जब पूरे देश में चारों तरफ से जो भी मजदूर हैं वापस घर को लौट रहे, तो उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 15 दिनों में राशन कार्ड बन जाएगा, तो क्या उस योजना में कुछ काम हुआ, राशन कार्ड बना आप लोग का? हम लोग का राशन कार्ड का फॉर्म भराया था, वो जीविका देवी बोलती है ना, वो भरी थी, लेकिन वो सारा फॉर्म निकाल के एक भी आदमी का नहीं आया। हमारा सिर्फ आया 2 साल पहले का, इसलिए कि हम बोलने में थोड़ा तेज चला के हम बोले कि हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा, तो फिर जाके हमारा आया 2 साल बाद सिर्फ हमारा कार्ड आया, वो भी हम बगैर फॉर्म भरे हुए। वार्ड द्वारा दिखाया गया हमको कि ये आपका फॉर्म है, हम लोग बनवा के दे देंगे, लेकिन दोस्त नहीं चिल्लाते तो वो भी राशन कार्ड मिला। हम नाम भी धर सकते हैं कि वो आदमी हमको दिखाया था, वही बनवाया। अच्छा, पंचायत चिकित्सा का क्या हाल है? मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाए, तबीयत नहीं है यहाँ पर, तो जो जिसका हाल होता है एम्बुलेंस बुलाता है या रिक्शा ठेला पर लाद कर जाता है। आज तक तो पंचायत में कोई एम्बुलेंस का नंबर भी नहीं है, एम्बुलेंस का नंबर नहीं है, किसी चौक चौराहे पर या किसी घर के मकान पर लिखवाया भी नहीं गया है कि एम्बुलेंस का फ्री सेवा पर नंबर है। ये किसका काम है? ये मुखिया का काम है कि हर मोड़ पर लगवाए कि फ्री सेवा है। अब देख लीजिए यहीं पर बैठे हैं, योजना है, योजना मिलता है, आप विकलांग है, योजना मिलता है। आज तक हमने तो 5-5 जो है फिलअप किया फॉर्म लेटरिन के लिए, लेकिन आज तक वो फॉर्म कहाँ गया ये हमको पता नहीं है। शौचालय नहीं बना? नहीं बना है। सरकार के द्वारा ODF घोषित कर दिया गया था आपके पंचायत? ठीक है, घोषित किया होगा पेपर में, काम तो नहीं हुआ है। जबकि सरकार का यही योजना था कि जिसको जो है जो अपने घर में शौचालय बना लिया होगा उसको जो है मिलेगा, लेकिन हमारा ऑलरेडी हम बनवाए अपना खर्च लेकर के, लेकिन हमको अभी तक पैसा नहीं मिला। 5 बार फॉर्म भरे हैं लेकिन वो फॉर्म का पता जी से मिले, इसको लेकर मुखिया जी शिकायत की, मुखिया जी नहीं, अनेकों बार कहा गया कि हमारा फॉर्म क्या हुआ, हमारा फॉर्म मुखिया जी क्या जवाब जवाब दिए? कुछ तो कहते होंगे मुखिया जी? नथिंग, कुछ नहीं।
कुछ ये हालात है, गांव को ODF घोषित कर दिया जाता है, पूरे पंचायत को ODF घोषित कर दिया जाता है। चाचा को आप देख सकते हैं, विकलांग है, इन्होंने कहा कि 5 बार इन्होंने फॉर्म भरा है और किसी भी बार इनका पैसा नहीं आया। मुखिया जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है इनको, और भी कई सारे लोग हैं, क्या कहेंगे हाँ वही हाल है जो ये लोग बोल रहे हैं सही है, और किसी का मतलब कोई जो है ये नहीं है, वो कार्ड है या वो लेटिंग वाला है। मेरा भी तो भराया था लेकिन पता नहीं वो आया कि नहीं, आज तक पता ही नहीं चला। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, जब 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एक उम्मीदवार ऐसी भी थी जो इस पंचायत से चुनाव लड़ी थी, उनके लड़के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है, 5 साल बीत गया, क्या कुछ हुआ विकास? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में क्या हुआ है ये तो जनता बताएगी। हम लोग तो बोलेंगे तो लोग बोलेगा ये तो हमारे विरोधी हैं, ये तो हमारे विरोध कर सकते हैं, लेकिन जनता से पूछिए जनता क्या कर रही है कि हमारे पंचायत में क्या काम। विपक्ष के नाते तो आप बता सकते हैं क्या काम हुआ क्या नहीं। हमारे नज़र से तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम अगर बोलेंगे तो लोग बोलेगा ये हमारे विरोधी हैं, हमको बदनाम करना चाहते हैं। तो इससे आप पूरे जनता से पूछिए, चुनाव लड़ने के समय आप लोग आते हैं, बाकी बीच के टाइम में आप लोग आवाज़ नहीं उठाने में है, हर जगह से हैं। आप पूछिए कि हम हर जगह खड़े हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ लोग बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। लेकिन जो अगर प्रतिनिधि जो जीत चुके हैं उनके लिए क्या है ये तो जनता बताएगी हमारे पंचायत की, और क्या हुआ है अपने पंचायत में वो तो जनता से पूछिए और जनता ही बताएगी। कैसा होना चाहिए, चूंकि हम लोग का कार्यक्रम है, हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया जैसा भी होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए, वो जनता जाने कैसे होती है। आप ही तो जनता, आप ही बताएंगे। सब लोग हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो मुखिया हैं वो हमारे लायक नहीं हैं, इसलिए कि हमारे घर यहाँ से 100 कदम आगे है, चलकर देख सकते हैं क्या हालात हैं वहाँ के। 5 साल में लॉकडाउन में कैसे कैसे जगह पे हमने देखा है कि नहीं रोड बना, नहीं नाला बना, तो कम से कम नरेगा का काम हुआ है, हमारा अभी तक काम हुआ नहीं है। जल नल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या पता, हम जल नल तो हम जानते ही नहीं हैं क्योंकि पाइप कैसा होता है। अगर यकीन है तो यहाँ पे बीच रहा है, अभी बीच रहा है, लेकिन ये तो 10 साल 7 साल पहले से चल रहा है। और पानी कब आएगा ये भी सही बात है कि जब आज ये इलेक्शन के टाइम में जब पाइप दिखाया जाता है तो अब ये कौन सा इलेक्शन में जा करके नल लगाया जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा तो वहाँ भी दिख भी नहीं रहा है पाइप। समस्या जिस वार्ड को वोट दिए थे, चुनाव जिताए, तो उस वार्ड से आपने कभी नहीं पूछा कि नल जल योजना का हमारे यहाँ कब पानी कब गिरेगा, शुद्ध पानी कब मिलेगा? हम वार्ड से भी पूछे हैं, मुखिया से भी पूछे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों से, जिस जो आदमी यहाँ से जुड़ा हुआ है, हम सबसे पूछे हैं, कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है जो वो लोग ना बोले कि नहीं होगा। विकास तो यही हुआ है, झूठ के सिवा कोई विकास नहीं है। जब भी गए हैं बाबू कोई बात नहीं है, अब आपका काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यही विकास है, झूठ के सिवा कोई विकास नहीं है। क्या लग रहा है किस तरह के विकास हुए, जनता इतने नाराज है? देखिए चाहे मुखिया जी को, आपको एक चीज बता दें कि मुखिया जी को भी फोन किया गया था इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, उनसे बात हुई थी, लेकिन मुखिया जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अगर मुखिया जी पहुंचे रहते तो उनसे भी सवाल होता, सीधा सवाल होता, जनता सवाल करती और मुखिया जी को जवाब देना होता। शायद यही वजह है कि मुखिया जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं, बताइए क्या। देखिए चाहे जिस डिपार्टमेंट जो भी पार्टिसिपेट हो, लेकिन काम जनता को चाहिए और काम होता नहीं है जनता के हिसाब से, तो जनता इसलिए नाराज रहती है, चाहे वार्ड हो चाहे पंचायत हो। काम होता है, पेपर से काम होता है, लेकिन लिखावट में आ जाता है काम हुआ है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं मिल रहा है। आप पंचायत को ODF घोषित किया गया था जी, शौच मुक्त कर दिया गया था इस पंचायत को, यहाँ पे कोई खुले में शौच नहीं करता, ऐसी स्थिति है कि सबका शौचालय बनाया गया? कहाँ शौचालय सबका बनाया है, हम शौचालय अपना बनाए हुए हैं, पैसा लगा के, आज तक उसका पैसा नहीं है। ये देखे सामने, ये मेरा, ये अपने पैसा तो बनाए, आज तक उसका एक रुपया नहीं है। अब क्या बोलिए, सामने भरा था, आपने फॉर्म भरा था क्या? सब कुछ किया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट सारा कुछ हुआ है। हाँ आएगा आएगा, अब पता नहीं हम आएगा, अब पता नहीं हमारे बच्चों के बाद वाले बच्चों का आएगा कि कब आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये सामने है आपके नमूना, देखिए बना हुआ है। तो इसी है 5 साल, एक मुखिया के लिए 5 साल बहुत होता है, अगर चाहे तो 5 साल में बहुत कुछ विकास हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि 5 साल पहले जो शिकायतें जनता की थी, आज भी वही शिकायतें जस की तस बनी हुई है, क्या दिक्कत होता है बताइए जी। सर ये अभी जो बता रहे थे लेटरिंग के बारे में, वही समस्या हमारा भी है,
लेटिंग के लिए सब फॉर्म भरा सब हुआ, मेरा नाम भी आया, बोलता है 200 रुपया दे दो हम तुम्हारा पैसा 2 दिन के बाद ला देंगे। कौन मांग रहा था पैसा, कौन मांग रहा था? वही जो वो फॉर्म लाया था, 200 रुपया भी लिया और 1 साल हो गया अभी तक वापस भी नहीं आया। किसी के द्वारा पैसा नहीं, घुसखोरी बेलाउट घुसखोरी का कोई काम नहीं है, शायद हमको भी लग रहा है, हो सकता है। हम यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे पास रसीद है, हम अमीन सरकारी अमीन भी बहाल कराए थे तो उसमें भी बेलाउट पैसा का शायद लगता है 900 का रसीद आता है पचरुखी ब्लॉक से, वो हम रसीद भी दे दिए थे यहाँ के जो भी हैं जैसे क्या बोलते हैं सरपंच वगैरह हैं उन लोगों को दिए थे कि दिखाइए, दिखाए थे कि आइए हमारा मनरेगा वगैरह करा दीजिए, हम कुछ पैसा नहीं दिए थे, कुछ नहीं हो पाया वहाँ पे। ऐसा लगता है कि बेलाउट घुसखोरी का कोई काम नहीं होने वाला है, अभी तक कोई ऐसा हमारा जो है कि कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। हमें शिकायतें हैं, आप इन शिकायतों को सुनकर ये भी सोच रहे होंगे कि मुखिया जी के खिलाफ इतनी शिकायत कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन? आपको बता दें ये लोग जाहिर सी बात है इसी पंचायत के लोग हैं और इसी पंचायत के मुखिया की बात हो रहा है। यहाँ की जो मुखिया हैं महिला मुखिया आभा देवी हैं जिनके पति सुभाष सिंह हैं और उनको भी फोन किया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लेकिन वो नहीं आ पाए, बताइए क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव के बारे में आप पूछना चाहेंगे या ऑल पंचायत या पर्सनल इसी पंचायत? पंचायत में काम भी बने एक्चुअल में हम इस पंचायत के हैं नहीं लेकिन हाँ, लेकिन मेरा कहना है कि मुखिया वैसा हो जो जनता के पास जाके खुद उसकी समस्या पूछे। किसी भी पंचायत का मुखिया वैसा होना चाहिए जो जनता के पास खुद चल के जाए और समस्या पूछे। पर डे तो नहीं लेकिन महीना में एक बार जाना पड़ेगा, लोगों को समस्या लिखे, उसको जाके सरकार से अपील कर अपने से जो हो सकता है उसको करवाए। तो मुखिया तो यहाँ पे वैसे चुन के जाते हैं कि जो जाके सो जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद दिखते ही नहीं कि मुखिया हमारा है कौन। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनता। देखिए आपको बता दें कि चुनाव की जो प्रक्रिया है इसी के लिए बनाई गई है कि जो भी जनता है उनको सहूलियत हो, वो अपने जनप्रतिनिधि से जाके आसानी से अपना काम करा सके, इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई है और चुनाव भी होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब पंचायत में हम लोग जा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि मुखिया जी चुनाव जीत गए लेकिन 5 साल तक क्षेत्र में नजर ही नहीं आए, बताइए क्या कहेंगे इसको लेके? ये इलेक्ट्रिक वाला जो बता रहे थे आप, खुद हमारे घर 2 मरतों फोटो खींच के ले गया लोग, यहाँ तक कि हमारा मार्केट भी बना हुआ उसका भी फोटो जाके बाद में लिया लोग, अब पैसा भी लिया लोग हमारा अम्मा से 500-500 रुपया, आज तक 1 पैसा नहीं दिया लोग। पैसा घूस क्यों देते हैं आप? हम नहीं थे यहाँ पर तो मिल गया, उसके बाद वो अभी तक 1 पैसा नहीं दिया लोग। 3 लेटरिन बना, तीनों लेटरिन का ये लोग खींच के ले गया, या तो चौथा दूसरे जगह पे बना वो उसको भी खींच के ले गया, इतना ये लोग चुतिया बनाता है। क्या लग रहा है मुखिया कैसा होना चाहिए? हमारे ख्याल से मुखिया वैसा होना चाहिए कि पहले अपना फंड के बारे में हर आदमी को घर जाके बताए कि साल में इतना फंड मिलता है, हर जगह बोर्ड लगवाए कि सरकार फ्री सेवा पंचायत में क्या देती है। क्या कार्य बाद अगर मुखिया में सही है तो उसको कम से कम घुसखोरी करके ही हर चौक चौराहा पर जागरूकता करने के लिए कि सरकार का क्या फंड है, हमारे बिहार सरकार का बिहार गवर्नमेंट का क्या फर्क फंड देता है साल में मुखिया का, वो सब का जागरूकता करने के लिए एक टीवी LCD होना चाहिए, तब जाके वो मुखिया के लायक है। और नहीं तो पब्लिक को चुतिया तो ऐसे ही पब्लिक बनी हुई है, जीतने के बाद तो ये लोग फंड आता है तो चुप चुप करके खा जाता है लोग, इसी जल नल में देख लीजिए 5 साल खाया लोग, अभी सूद ब्याज करके किसी तरह सोच रहा है लोग पानी एक बार गिरा दे चेक करने के बहाने, उसके बाद खत्म। पिछले बार चुनाव हुआ था तो 14 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ी थी, यहाँ से 1 उम्मीदवार आभा देवी चुनाव जीत गई, 13 उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो क्या लग रहा है जो चुनाव लड़ने वाले हैं विपक्ष में जो खड़े रहते हैं क्या वो भी अपना काम सही से नहीं निभा पाते हैं? विपक्ष में जहाँ पर चुनाव लड़े थे 14 में तो 8-9 तो वही लोग लड़ा देता है कि ये पार्टी को जितवाना है, इस पार्टी को हरवाना है, किस तरह किसको उठाएंगे, ये लोग का तो बहुत मुद्दा है ना समीकरण बनाने के लिए, लेकिन चुनाव लड़ने का तरीका हर आदमी को मालूम नहीं है। जितना प्रत्याशी उठेंगे उतना कम वोट से पब्लिक जीतेगी और जितवाने की कोशिश भी करेगी। इंशाल्लाह इस बार नहीं, आगे बार वार्ड हो या कुछ भी हो, अगर हम लोग रहेंगे तो फाइट जरूर करेंगे और हर चौक चौराहा पर 10 दिन पहले CD लगेगा कि पब्लिक को क्या क्या मिलता है, हारने के बाद खोल के हम लेके चला जाएंगे, जीतने के बाद छोड़ देंगे। समझिए आगे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग पंचायत में चलेंगे, इस पंचायत में भी चलते हैं और आगे चल के दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस पंचायत में और क्या कुछ काम हुआ है। शिकायतें लोगों की बहुत सारी हैं,
हालांकि आपको बता दें कि जिस मैनिफेस्टो पे मुखिया जी चुनाव लड़ते हैं हर बार, मुखिया जी को चाहिए, चाहे किसी भी पंचायत को मुखिया उनको चाहिए कि उसी मैनिफेस्टो के साथ अगले बार फिर चुनाव में उतरे और जनता को बताए कि हमने 5 साल में ये कार्य करवाए हैं और उसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे। जनता को भी काफ़ी सोच समझ के वोट देना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को वोट दे जो चुनाव जीतने के बाद हम लोग के साथ रहे और क्षेत्र का विकास करें। बने रहिए हमारे साथ।